टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम जी। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में, जहां एनुअल फैशन शो फैशन फ्लोरा 2019 चल रहा है और हमारे साथ कुछ कंटेस्टेंट्स हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। हेलो। जैसे आपका एनुअल मीट चल रहा है फैशन शो का, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रैंप पर? बहुत अच्छा रहा, आपका मेमोरेबल डे बहुत अच्छा था। तो आपने आज इस फैशन शो में रेड थीम को फोकस किया है, तो क्या सोच के आपने, आपके जो डिजाइनर हैं तो उन्होंने कैसे आपको रेड थीम में, और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो मॉडलिंग करने से स्टेज पर जाके सबके सामने जब आप परफॉर्म करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज होता है और ऊपर से आपको खुद भी अच्छा फील होता है। बिल्कुल मैम, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रैंप पर? वैलेंटाइन डे था हमारा थीम था और लास्ट ईयर भी किए थे वैलेंटाइन डे। ओके, हाँ जी, और सर लास्ट टाइम भी यही थीम सीगा, तो इस बार फिर इन दिनों एक ही साड़ा एक्सपीरियंस होर वाजूगा कि अगर जाके साड़ा कोई भी मॉडलिंग करने का एक्सपीरियंस होगा तो वधिया सानू इसको कॉलेज वाले ट्रेन किया गया। एंड दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? यस मैम। ओके, फर्स्ट टाइम आप रैंप पर आए हैं? यस। तो कितने नर्वस थे आप? बहुत नर्वस थे, बट स्टेज पर बट अब आपको देखे नहीं लग रहा कैसा फील हो रहा है? रैंप से ना एक्सपीरियंस हो गया वो, इसलिए नर्वस नहीं है। आने वाले टाइम पे भी आप ऐसे फैशन शोज में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? यस मैम, ऑफ कोर्स। ओके, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जो डिजाइनर है जिन्होंने आपको इतने ब्यूटीफुल अटायर्स में रिप्रेजेंट किया है, उनको एक थैंक यू का मैसेज तो बनता है? किस सबको, जैसे अगर किसी मॉडल को अगर डिजाइनर मिलना तो हमारे डिजाइनर जैसे मिले, बहुत कोऑपरेटिव है वो। रोचना दी बहुत अच्छे हैं हमारे, थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फैशन फ्लोरा के दो कंटेस्टेंट जिन्होंने वैलेंटाइंस डे को रिप्रेजेंट किया रेड अटायर्स में, वो उन्होंने रैंप पे अपनी प्रेजेंटेशन दी। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।